स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीसीएम पर। मैं आपका दोस्त राज आर्यन आज आपके लिए लेकर के आऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया हुआ था। चार्ज क्या क्या करता है, चार्ज के बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए ही थे। आज हम लोग उसी स्टडी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, चार्ज के एक छोटे से प्रॉपर्टी पर स्टडी करेंगे आज कि चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एक 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, उसी पर बात करेंगे। लेकिन हम चार्ज को थोड़ा उसको स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं कि चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी बॉडी को, चार्ज हम बना कैसे सकते हैं, चार्ज किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, हम ये भी सीखना चाहते हैं, है ना। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि एटम हम लोग देखे थे। एटम सबको पता है, एटम क्या होता है ना, एटम बम 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 बम, एटम कुछ ऐसे ही होता है जैसा हम लोग को दिखाया गया है ना। अगर मतलब ये तो समझ में आता है ना, कोई मैटर एटम से बना हुआ है और उसमें यहां पर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां पर रिवॉल्व कर रहा होता है, है ना। बड़ा गजब सा चीज है ये एटम, इसने पूरी दुनिया बदल दिया, फिजिक्स बदल दिया, क्या बोलते हैं, जज्बात बदल दिए। 1900 के आसपास में पूरी दुनिया बदल डाली इसने। 1900 दो कम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, 600 BC बात कर रहे थे। उसके बाद भी गिलबर्ट आते हैं, बहुत सारे बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बूस्ट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी होती है। बट किसी को पता नहीं था कि आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, रहस्य मिस्ट्री। ठीक है, जब जे जे थॉम्सन आते हैं और वो जा करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन पता है ना, यही है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, तब समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन पे यही वो चीज है जो कि परेशान कर रहा है किसी बॉडी में, चार्ज के लिए सारा का सारा, है ना, चार्ज होने के लिए जिम्मेदार यही आदमी है, मतलब आदमी नहीं इलेक्ट्रॉन है। हमें एक चीज और पता था कि दुनिया में तब तक तो न्यूटन आ ही चुके थे और उन्होंने ग्रेविटेशन नाम की चीजों को डिस्कस कर ही लिया था, खोज ही लिया था, और हम लोग जानते थे कि ग्रेविटेशन बहुत वीक फोर्स है, बहुत बहुत वीक फोर्स है ना, वो हम सबके बीच में नहीं लगता है, वो बहुत हेवनली बॉडीज के ऊपर लगता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बाद में धीरे धीरे समझ में आ चुका था कि ये बहुत बहुत बड़ा चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब यही समझ लो कि ये बिलियन बिलियन बिलियन, मतलब करोड़ों 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 गुना बड़ा है ये फोर्स, मतलब बहुत बड़ा फोर्स है। तो यहाँ पर बेसिकली दो चार्ज अगर है, अगर वो सिमिलर चार्ज है किसी डिस्टेंस पर रखे हुए तो बहुत ज़्यादा जोर से वो रिपेल करता है, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करता है। ये बात हम लोग समझ में आ चुका था। कुछ चीज़ों को यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे कन्फिग्रेशन में, है ना, कि यहाँ पर एटम देखो ध्यान से, प्रोटॉन भी है जो कि प्लस चार्ज है एटम के अंदर में, अगर हम न्यूट्रॉन को भी हम कंसीडर में लाएंगे, न्यूट्रॉन को अभी हम सिर्फ एज्यूम करना चाहते हैं कि प्लस है यहाँ पर बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल अब यहीं से स्टार्ट होता है। देखो ध्यान से एक चीज को कि प्लस इतना सारा प्लस चार्ज एक ही साथ कैसे हो सकता है, देखा, इतना सारा प्लस चार्ज एक साथ कैसे हो सकता है, मतलब ये तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। पहला तो पॉइंट ये आना चाहिए दिमाग में कि न्यूक्लियस के अंदर में इतना सारा प्लस चार्ज पॉसिबल तो है नहीं। तो एक चीज आता है, उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा फोर्स होता है, मगर बहुत ही छोटे रेंज का होता है, मतलब इसी न्यूक्लियर रेंज में ही ये लग सकता है।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तरह ये बहुत दूर तक नहीं लगाता, इनफाइनाइटी स्पेस तक नहीं लगाता। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, छोटे छोटे आइडिया हम देना चाहते हैं कि आखिर हम इसके अंदर की चीजों को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोटोन और प्रोटोन के बीच में, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। थोड़ा बात समझ लेना है, और कुछ है नहीं इसमें। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि नाइबरिंग प्रोटोन और प्रोटोन के बीच में, नाइबरिंग प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। बगल बगल में देखो न्यूट्रॉन भी है, मान लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन है। तो इन सब के बीच में ये जो प्लस है ये इस सब से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। तो बेसिकली अगर हम बना के दिखाते, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी न्यूट्रॉन है ना। तो ये प्लस वाला इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इस सबसे अट्रैक्टिव फोर्स बना के रखा है जो कि ये न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि दूर वाला भी लगा सकता है इस पे, दूर दूर तक लगाता है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से। तो इस कारण से यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर में इस तरह की स्टेबिलिटी हमको दिखती है। अगर गलती से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बहुत बड़ा हो जाए, ये तब हो सकता है कि जबकि साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाए, तब हमारा ये एक्सप्लोजन होता है जिसके कारण एटम बम बनता है। आगे जाकर के स्टडी कर लेंगे। तभी एक और सवाल आता है कि जब इलेक्ट्रॉन, ये दो प्रोटॉन चलो ठीक है होल्ड कर गया, दो इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पर होल्ड कर रहा है? क्योंकि भाई जब इसको, ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से जब अट्रैक्ट होना ही था, तो ये कुछ खास डिस्टेंस पर क्यों रुका और वह रह जाता है? ये खास ही डिस्टेंस पर क्यों रुकता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? बहुत बड़ा सवाल है, छोड़ के रखा है इसको, ठीक है ना, तुम लोग के लिए धीरे धीरे करके इसको स्टडी करेंगे। पहला बात तो समझ में आ चुका है कि इस तरह के हमने एक सवाल का जवाब दिया कि न्यूक्लियर फोर्स। फिर सुन लो मेरी बात, वो सवाल क्या है, हम अगले लेक्चर में इसको लेंगे, ठीक है, नहीं तो मॉडर्न में फिजिक्स में पढ़ाएंगे। सवाल ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, करना चाहिए, करके दोनों सट काहे नहीं जाता पूरा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे काहे नहीं हो जाता, पूरा चिपक काहे नहीं जाता, कुछ खास डिस्टेंस पर ही क्यों रुक जाता है, वो घूम क्यों रहा है? सवाल समझ में आया? सर्च करो, जानो, है ना। चलो ठीक है, हमारा सवाल ये था कि अंदर घुस गया वो गलती से अंदर में इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी मेटल से हम निकाल लेंगे या इसमें डाल देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर लें या फिर कहीं से हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें, तो हम कहेंगे ये बॉडी चार्ज हो गया, ठीक है। ये बेसिकली थ्योरी है हमारे पास, लेकिन क्या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को डालना निकालना इतना आसान है? इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी बोलते हैं मेथड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है? चलो पहले हेडिंग लगा दो, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या लगाना है? मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। तो पहला मेथड है हमारा बाय रबिंग या फिर बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण चार्ज। एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हमने ऐसे ऐसे करके रब किया, ठीक है, तो पता चला कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे बॉडी इस हाथ में चला आया, है ना, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा भी था कि सिल्क क्लॉथ को हमने जब इवोनाइट के रॉड से, सॉरी ग्लास रॉड से हमने उसको रब किया हुआ था, तो हमने देखा था कि ग्लास रॉड पे निगेटिव चार्ज आ गया था, है ना। इस तरह से हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। तो वो रबिंग का ही प्रोसेस था, है ना, या फिर फ्रिक्शन का ही प्रोसेस था। उसमें क्या होता है कि बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट होने से कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर गया, उसको कहते हैं बाय रबिंग से चार्ज हो गया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? इसमें कुछ लिखाने वाले के लिए लिखा ही नहीं, बस खाली समझ लो। सेकेंड है हमारा बाय कंडक्शन, कंडक्शन कंडक्शन से चार्ज हो रहा है। ये किसके लिए होगा? फॉर कंडक्टर के लिए, है ना। कंडक्टर समझ आता है, ठीक है, जो कि जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को बोलते हैं कंडक्टर।
तो इसको हम चार्ज करना चाहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब उस पर बहुत सारा निगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब एक बॉडी है उसके पास लोहा है, वो कंडक्टर है, तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उतना ही प्रोटॉन भी है, इस कारण से न्यूट्रल है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल दें किसी तरह से, तो निगेटिव हो जाएगा, या उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हम निकाल लें किसी तरह से, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी लिए, ठीक है, सपोज करती है ऐसा कुछ, हमने एक बॉडी ले लिया, है ना, ये एक बॉडी ली, न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है, और हमने क्या किया, एक इस तरह से करके एक रॉड को लेके आए, वोनाइट का ही रॉड है ये, सपोज करते हैं, और इस पर हमने मान लिया कि प्लस चार्ज है इस पे, ठीक है, और ये शुरुआत में था न्यूट्रल, कैसा था, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब याद रखना है कि इसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है, तो तभी ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर हमने इस प्लस वाले को इसके साथ में कंटेक्ट मिलाया, कनेक्ट कर दिया, इसको सटा दिया, तो क्या होगा, इसके पास तो कोई चार्ज है नहीं, इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज देखो, ये प्लस चार्ज है, प्लस मतलब होता है किसी भी बॉडी के पास डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब प्लस लिख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। उसी तरह से निगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है उसके पास, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो अगर यहां पर अगर हम कहें कि प्लस चार्ज है यहां पर, तो इसके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो कम है, और इसके पास कह रहा है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर है, तो यहां पर कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें ट्रांसफर करने लगेगा, ताकि मामला कुछ ऐसा हो जाए कि बराबरी में मामला फंसे। अब क्या बराबर होगा, क्या चार्ज बराबर होगा, क्या कुछ और बराबर होगा, यही है पूरा क्रक्स यहां पर, ठीक है, समझना बात को। हम यहां पर एकदम ध्यान से एकदम नोट करके इसको लिख लो, ठीक है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर बॉडी अंटिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। इसका वोल्टेज बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी तक वो चार्ज, हम कहेंगे कि मतलब चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी कि चार्ज बराबर नहीं हो जाएगा दोनों में, हम कहेंगे दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे कंडक्शन, है कंडक्शन में क्या था कि एक बॉडी है और इस पे कुछ ये न्यूट्रल था, हमने इसको चार्ज कर दिया, चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया हुआ था, तो कनेक्ट करते ही ये यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्सेस नहीं है, बराबर है इलेक्ट्रॉन के प्रोटोन के, लेकिन यहाँ पर डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चल देगा, ताकि इसका वोल्टेज बराबर से कर सके, पोटेंशियल बराबर कर सके। कैसे करेगा, कितना को होगा बराबर, ये हम लोग बाद में सीखेंगे पूरा पोटेंशियल वाले कंडीशन में, लेकिन ये बात याद रखना है कि चार्ज बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और छोटा सा एक और चीज दिखाते हैं कि फॉर आइडेंटिकल बॉडी, मान लेते ये बॉडी और ये बॉडी आइडेंटिकल है ना, तो किसके लिए होगा, फॉर आइडेंटिकल बॉडी। अगर मान लेते हैं हमने इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर हम कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहां पर सपोज करते हैं कि हमने इस पे Q1 चार्ज रखा है, इस पे Q2 चार्ज रखे हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं इस पे प्लस ही है चार्ज, ठीक है, और मान लेते हैं कि इधर निगेटिव चार्ज है, समझ में आ चुका है कि इधर की तरफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर की तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो किधर का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर का एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, तो इससे कुछ चार्ज इसका घटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ बढ़ेगा, तो कुछ बीच में मामला फंसेगा, तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे भाई दोनों पे चार्ज है ना, इसका चार्ज अगर हम बोल देंगे Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है, Q1 बड़ा है Q2 से, तब दोनों पे क्या होगा, और ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, तब देन चार्ज ऑन ईच बॉडी
मस्ट बी सेम, क्या हो जाएगा, मस्ट बी सेम, चार्ज बराबर हो जाएगा एंड ऑल्सो पोटेंशियल, है ना, एंड ऑल्सो पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में, मतलब अगले नहीं मतलब बहुत सारे वीडियो के बाद, एक पूरा सेपरेट टॉपिक ही है, ठीक है। लेकिन अभी समझ लेते हैं, अगर आइडेंटिकल बॉडी है तब दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा, बाद में कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि दोनों बॉडी पे तब चार्ज करके इस पे चार्ज आ चुका है क्यू और इस पे अभी क्यू, ठीक है। तो अब जो चार्ज आ चुका है वो क्यू का वैल्यू कितना होगा, हम कहेंगे जो बाद में आया चार्ज वो जगह दोनों का सम का आधा, है ना, तो इस पे था क्यू वन प्लस में क्यू टू अपॉन टू, इतना हो जाएगा इस पे चार्ज, ठीक है। एक और बात सीख लेते हैं, ये हुआ पहला पिक्चर, ये दूसरा पिक्चर, चलो तीसरा पिक्चर भी सीख ही लेते हैं यहीं पर। अगर हम एक बॉडी ये हमारा था, चलो इसी में सीख लेते हैं ना, पहले में ही सीख लेते हैं। एक चीज और बताओ कि यहां पर से इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ तो प्रोटॉन हमारा एक्सेस होने लगेगा, तो बाद में क्या हो जाएगा कि इसका इस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इतना भी नहीं आ जाएगा कि सारा का सारा निगेटिव ही हो जाए, ठीक है। तो मामला बीच में रहेगा लेकिन दोनों का दोनों प्लस ही चार्ज आ जाएगा, यानी कि फाइनली दोनों पे प्लस ही चार्ज आएगा, यानी सेम टाइप का ही चार्ज आएगा। इसमें भी जब कंडक्शन हो जाएगा फाइनल हो जाएगा तो दोनों पे सेम तरह के ही चार्ज आएंगे। हम अगर बोल दें कि यहाँ पर Q1 ज्यादा है और Q2 अगर कम है तो दोनों पे फाइनली पॉजिटिव ही रह जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यानी कंडक्शन में दोनों ही बॉडी पर फाइनल सेम चार्ज रहता है, ठीक है। आइडेंटिकल बॉडी में चार्ज सेम हो जाएगा और चार्ज भी सेम होगा और साइन भी, साइन मतलब वो प्लस और माइनस, वो भी सेम होगा, वोल्टेज भी सेम होगा। लेकिन हाँ, अगर आइडेंटिकल शेप का बॉडी नहीं है तब सिर्फ वोल्टेज सेम होगा, साइन भी सेम होगा, मगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पूरे अच्छे से बात, ठीक है, कॉपी कर लो। इंडक्शन तीसरा है बाई इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इंडक्शन मतलब होता है प्रेरित हो जाना। हमने एक चार्ज को लेकर क्या, चार्ज बॉडी को दूसरे के सामने बस रख दिए खड़ा, तो दूसरा बोलता है अरे बाबा हमको डर लग गया, है ना, तो हम चार्ज हो जाएंगे, तो डर लगने होता है, डर लग गया, कांप रहे हैं। दूसरा मान लेते हैं कि एक बॉडी है हमारा, ये न्यूट्रल है और इसके सामने हम बस दूर से ही, है ना, सपोज करो कि यहाँ पर हमने दूर से ही एक चार्ज्ड बॉडी को लेकर के रख दिए, ये प्लस है, दूर से रख दिए तो सटाए भी नहीं है, ठीक है, क्या होगा कि ये तो न्यूट्रल है, ये क्या शुरुआत में न्यूट्रल है, तो बाद में क्या हो जाएगा कि इसका जो न्यूट्रल में है तो इसके पास इसका मतलब क्या, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सब ये प्लस वाला खींचेगा अपनी तरफ और जितना प्लस चार्ज होगा वो उसको बोलेगा भाई तुम दूर हो जाओ। तो फाइनली क्या बनेगा पिक्चर, ये तो यही रह जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पे इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर की तरफ प्लस चार्ज आएगा, ठीक है यहां तक, ठीक है। ये देखो ये सारा प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींच करके इसे खींच लिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बोला दूर हो जाओ, ठीक है यहां तक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तभी हमारे दिमाग में खुरापात ही आया, खुरापात कि हमने इधर से उठा करके इसको अर्थ से जोड़ दिया। अब अर्थ क्या करता है, अर्थ एक बहुत बड़ा सिंक है, गड्ढा है चार्ज के लिए, तो उसमें कुछ भी डंप कर सकते हैं, तो चार्ज डंप कर दिए। हमने जैसे ही अर्थ को बोला कि भाई तुमको कनेक्ट करेंगे, अर्थ का पोटेंशियल है जीरो, वो सब को कर देगा जीरो, इसका पूरा इधर का चार्ज जीरो, लेकिन इधर का जो प्लस निगेटिव चार्ज है उसका इसके साथ में कनेक्शन है, ये नहीं जा पाएगा, सिर्फ इधर की तरफ जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब क्या होगा, फिर और अच्छे से डिटेल में अगर देखोगे यहाँ पर तो कुछ इमेजिन कर सकते हो कि भाई यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो अर्थ प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई तुम जाओ और इसको न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। तो फाइनली हमको दिखेगा कुछ इस तरह का पिक्चर, इसको बोलते हैं अर्थिंग, क्या बोलते हैं अर्थिंग, समझ में आया अर्थिंग करने का मतलब, नहीं समझ में फिर से देख लो, इधर की तरफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है क्योंकि भाई सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है क्योंकि इसने भाई खींच लिया पकड़ करके दूर से ही, तो ये जो अर्थ है प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया इसको कि भाई जितना तुम्हारे पास कम है उतना हम तुमको दे रहे हैं,
तुम न्यूट्रल हो जाओ कम से कम। ये अर्थ नहीं इसको, अगर यहाँ पर गलती से इलेक्ट्रॉन रहता तो सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में घुस जाता ताकि भाई बराबर हो जाए मामला। हर समय अर्थ चाहेगा कि भाई हम अगर जीरो हैं तुम भी जीरो रहो, तुम्हारे पास ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेल मिलाप रहना चाहिए। तो बाद में क्या हो जाएगा पूरा पिक्चर, इस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, हम अगर अर्थी हटा चुके हैं और इस पे हमको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अगर हम इस तरह के पिक्चर को देख रहे हैं, साफ साफ अभी देखो कंडक्शन में देखे थे कि दोनों में सेम टाइप के चार्ज आ गए थे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा अपोजिट टाइप का चार्ज आ चुका है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस दिखा है इंडक्शन में, कोई दिक्कत है? तो बाई इंडक्शन है ना, इन दिस कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर, इन दिस केस, ठीक है, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज विल प्रोड्यूस ऑन बॉडी, है ना, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात, इंडक्शन पूरा अच्छा से डिटेल में समझ में आया है ना, चलो कॉपी कर लो इसको, ठीक है, डिटेल लिखाना उखाना नहीं क्योंकि इसमें लिखने के लायक कुछ है नहीं, ठीक है, बस जानो कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, चार्जिंग कैसे कर रहे हैं, पहला फ्रिक्शन, सेकंड हो गया कंडक्शन, तीसरा हो गया इंडक्शन, चौथा देख रहे हैं लाइट से, पांचवा फिर हीट से होगा, कॉपी करो पहले। बाय फोटोन, फोटोन लाइट का जो है पार्टिकल है ना, ठीक है, समझ आ रहा बात? तो अगर मान लेते हैं एक बॉडी है हमारे पास, है ना, एक जिसके ऊपर में हमने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हमने एक लेप चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया इसके ऊपर में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एक पॉलिश चढ़ा दिया, है ना, पॉलिश लगा दिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब जिसके पास की इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो हमने क्या किया कि भाई यहां से लिया कुछ फोटॉन्स को हमने स्ट्राइक करवाया, कुछ फोटॉन्स को स्ट्राइक करवाया, और हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है ना, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, वो एच न्यू जाएगा और उस लूजली बॉन्ड, मान लेते हैं यही हमारा एटम है ना, तो एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें फोटोन जाकर के स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नॉकआउट कर जाएगा सरफेस से, इलेक्ट्रॉन जो है चल दिया बाहर, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल गया, कोई दिक्कत है? तो इस तरह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से सरफेस से निकल जाएगा तो सरफेस हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इस फेनोमेना को ही बोलते हैं चार्जिंग बाय फोटोन, और इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोलते इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने ढूंढा था, वही बाल वाले बाबा अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, कमाल का जीनियस आदमी थे, मतलब मजा आ जाएगा तो फिजिक्स में, तो मतलब ये आदमी तबाही थे, ठीक है, तबाही क्या, काम धमाके गए हैं पूरे दुनिया को, करो प्रूफ हमको, ठीक है, जबरदस्त इंसान थे, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई एक एच न्यू जो है ना, इसने कहा कि इंसिडेंट जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी एच न्यू है ना, वो क्या क्या कर सकता है, वो भाई जितना एनर्जी लेकर के आया तो दो तीन काम करेगा, पहले दो ही सॉरी काम करेगा, दो काम में पहला काम क्या करेगा भाई, कम से कम उसको इतना तो एनर्जी दो कि वो सरफेस तक आ सके, फिर सुनना मेरी बात को, इतना तो एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को कि जिससे कि वो यहां से निकल करके, मान लो सरफेस इतना दूर पे है, यहां से निकल के सरफेस तक पहुंचे, ठीक है, एटम, ये सरफेस के अंदर में कहीं कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल से निकल करके सरफेस तक आना है उसको, तो कुछ तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, नहीं तो ये भाई प्लस है तो वो जाने थोड़ी देगा उसको, ठीक है, तो कुछ एनर्जी जो लगा है उस एनर्जी को इसने कहा वर्क फंक्शन, क्या कहा इसने, वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाइव सी नोट करते हैं। अब प्लस में अगर मान लेते हैं बच गया उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन के पास उस एनर्जी, तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रह जाएगा, जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो निकलेगा, है ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहें काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, ये जो पूरा रिलेशन है एच न्यू, समझ आता है, एच हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है,
न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, है ना, ये इस प्रोसेस से। खैर हम लोग पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मॉडर्न में, हम बात कर रहे हैं बस खाली, देखो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, अभी कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है कि सर आधा आधा पढ़ा रहे हैं, अरे पूरा पढ़ेंगे, डूब डूब करके पढ़ना है, ठीक है, अभी इंट्रोड्यूस खाली कर रहे हैं, पूरे ट्वेल्थ में यही सब तो करना ही है, कुछ करना थोड़ा ना। फोटोन आया, फोटोन गया इलेक्ट्रॉन को लेकर भागा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डिफिशियंसी मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये बात का फेनोमेना भी आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को फिर से बोलेगा भाई तुम सरफेस पर आ जाओ। खैर बाद का चीज बाद में देखा जाएगा, पहले तो भाई चार्ज हुआ ना, तो यही हम कहते हैं कि लाइट से चार्ज हो गया। इसी तरह से हम अगला भी कंडीशन लिख सकते हैं, बाय कॉपी कर लो पहले इसको, हम यहीं पर इसको ही बस नाम हटा देंगे, और बाय थर्मल भी सेम हो जाएगा, है ना, हीट के कारण भी हीट एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगा, हीट एनर्जी इक्वल टू फाइव प्लस में के ही मैक्स हो जाएगा बाय थर्मल, पांचवा, ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो कॉपी करो यहां तक, फिर आगे देखते हैं। पांचवा देखते हैं, है ना, चौथा समझ में आ चुका है, पांचवा देखते हैं, फॉर नॉन मेटल्स के लिए, है ना, नॉन मेटल्स के लिए हुआ बाय अप्लाइंग वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फील करना चीजों को, बस ज्यादा कुछ है नहीं। सपोज करते हैं कि एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का शेप समझ में आता है कि ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, यहां पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से घूम रहा है, है ना, सपोज करते हैं न्यूट्रल एटम, तभी हमने क्या किया, यहां पर एक प्लस चार्ज को ला करके रख दिया, प्लस चार्ज को हमने ला कर रखा, तो प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ, प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ, प्लस वाला बोलेगा इलेक्ट्रॉन को मेरे पास आ जाओ, प्लस वाले को बोलेगा तुम दूर हो जाओ, तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचेगा तो कुछ इस तरह का शेप बनना हो जाएगा एटम का स्टार्ट, है ना, ओवल शेप हो जाएगा, प्लस चार्ज इधर हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो सब इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड में आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का अगर हम एक एज्यूम करें कि जो निगेटिव डेंसिटी होगी, निगेटिव डेंसिटी इधर आ जाएगा और प्लस डेंसिटी इधर आ जाएगा, तो इसके भी सेपरेशन बन जाएगा, निगेटिव डेंसिटी इधर आ गया, प्लस डेंसिटी इधर आ गया, सेपरेशन बन जाएगा, और ये जो प्लस चार्ज है तो ये है ही, अगर हम बोले इसके द्वारा जो लगाया हुआ अप्लाइड वोल्टेज है, अगर हम हवा के लिए बात करें, गैस के लिए बात करें, ये वोल्टेज अगर एक्सीड कर जाए 3 × 10⁶ वोल्ट से, ठीक है, तो ये टूट सकता है, ये जो पूरा बॉन्डिंग है ये टूट सकता है, और इसी कारण चिंगारी पैदा होता है, इसको भी वो लाइटनिंग बोलते हैं, चार्जिंग हो गया ना, चार्ज सेपरेशन हो गया ना, कोई दिक्कत है। इसी तरह से अगर हम बोले कि अगर कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक पीस है, अगर यही नॉन मेटालिक पीस है, इसमें भी अगर हम बोलते हैं यहाँ प्लस चार्ज है, तो इसके ही डायरेक्शन में इस तरह से करके अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा प्लस और माइनस का एटम का, है ना, इस तरह से इसी के डायरेक्शन में माइनस और प्लस का एक अलाइनमेंट तैयार हो जाएगा, और यही अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, समझ में आ रही बात, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से हम कहेंगे डायपोल का फॉर्मेशन, डायपोल में दो पोल बन गए, देखो डायपोल के फॉर्मेशन हो गए, और अगर ये वोल्टेज एक्सीड कर गया इस मेटल का जो ब्रेकेज का जो भी वोल्टेज हो उसे एक्सीड कर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये इजेक्ट आउट कर जाएगा, जिससे हम कहेंगे भाई इसके ऊपर चार्ज हो गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पूरे अच्छे से। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे क्वांटाइजेशन पर, है ना, ऑफ चार्ज के ऊपर बात किए थे, हम लोगों ने सीखा यह था कि अगर नेट चार्ज किसी बॉडी पर, नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज गिवन बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि क्यू जो होगा किसी सिस्टम का वो एन ई के बराबर होगा, कोई दिक्कत है, और ई का वैल्यू कितना हो गया
1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब ई का वैल्यू होता है। तो अगर हम इसी में कहेंगे, अगर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, कंटेन 20 मोल ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 20 मोल उसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन के, तो कह रहा है कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसमें कितना चार्ज है, एक्सेस है इलेक्ट्रॉन का। तो हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। तो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो कह रहे भाई 20 मोल है, और एक मोल में कितना होता है ना, हमको पता है ना एक मोल में कितना पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में हमको पता है 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होते हैं, इतने तो पार्टिकल है ही, यानी कि 20 मोल मतलब क्या, 20 गुना इतना, ठीक है, इतने तो पार्टिकल होगा, 20 × इतना पार्टिकल, और ई का वैल्यू हमको पता है, तो कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻²³ × 1.6 × 10⁻¹⁹। और कमाल का बात है, हम इसके ही चीज के इसको मल्टीप्लाई करके पिछले वीडियो में बताए थे कि होता है 1 फैराड के बराबर, ये कितना होता है बेसिकली 96,500, बताए थे कितना कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं 1 फैराड, तो बेसिकली कितना हो गया 20 फैराड, है ना, इसी को बोलते हैं फैराड, तो 20 फैराड इतना आ गया आंसर, इतना आंसर हो गया, सिंपल है, ठीक है, कॉपी करो, अभी बहुत सारे सवाल निकल बनाएंगे इस पे। ये देख लो एक सवाल बना दिए हैं ऑलरेडी, है ना, उम्मीद करते तुम लोग से बन भी जाए, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, कुछ मतलब है नहीं इसमें। फाइंड द नेट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द 2 kg ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आता है CaCO3 होता है, और उसका अगर वजन निकालोगे तो 40+ है ना, कैल्शियम का मास होता है ना 40, कार्बन का 12 और 3 times of oxygen is 3 times of 16 हो गया, तो कितना आ जाएगा 100। तो अगर हम देखें कि नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सिंगल मोलिक्यूल ऑफ द CaCO3, सिंगल मोलिक्यूल ऑफ CaCO3 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो भाई 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक CaCO3 में 50 इलेक्ट्रॉन तो होने ही है। तो हमको ये भी पता है कि भाई 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन इतना मॉलिक्यूल ऑफ द CaCO3, यानी 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल का जो वजन होगा वो तो 100 ग्राम होगा, तो भाई 2000 ग्राम में कितने होंगे, तो साफ दिख रहा है कि 20 मोल आ जाएगा, ठीक है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता चलेगा भाई 2 kg में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हमको ये पता चलेगा कि 2 kg में कितना मोल है CaCO3 का, तो 2 kg और 1 CaCO3 को पता है 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 kg में इसका मतलब हो गया कि 20 × 50 अगर कर देंगे तो हमको आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 20 × 50 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है क्यू बराबर है नहीं होता है, तो 20 × 50 मोल था ही, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको ये पता है मोल इंटू ई का फॉर्मूला होता है फैराडे, तो ये हो गया 1000 फैराडे, और या फिर हम अगर फैराडे का वैल्यू 96,500 अगर लिख दें तो हम मल्टीप्लाई करें तो हमको इतना कूलम्ब आ जाएगा आंसर, है ना। ये बेसिकली बना रहे थे वीडियो, उधर उड़ गया, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, चूहा परेशान, हंता वायरस वाला चूहा परेशान कर दिया है हमको, ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है, चार्ज के बारे में जितना स्टडी था हम लोग कर लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये नया चीज़ क्या आ रहा है ना हमारे जर्नी में, है ना, पढ़ाई के जर्नी में। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि पहले चार्ज जो था तो उसमें मैं दो बात पहले हम पॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके पहले हम एक छोटा सा चीज लिख देते हैं, पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये क्या है, तो इसमें लिख लो पहले 2-3 लाइन तो लिख ही लेना है, करना नाम ये लाइन है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, तो इट इज इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
एंड टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि प्लस चार्ज से निकलता है और माइनस में टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो जैसे कि इसका मतलब ये होगा कि ये प्लस चार्ज है, इससे निकल रहा है इमेजिनरी लाइंस, ऐसे 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 ऐसे, है ना। उसी तरह से माइनस वाले में अगर देखें तो माइनस में टर्मिनेट करता है, मतलब माइनस में आता है ये लाइन, ऐसे कोई दिक्कत है? माइनस में ये ऐसे ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आने दो, ठीक है। ये हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किया, ठीक है। ये हम कैसे ड्रॉ किए, तो इसके भी एक छोटे से कहानी यही समझ लो कि अगर प्लस चार्ज है, इसके सामने हमने एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर प्लस वाला कर दिया, तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको बोलेगा भागो, ये इसी डायरेक्शन में भाग गया, तो हमने सोचा कि भाई इधर की तरफ ही कोई लाइन वाइन होगा, अगर यहाँ प्लस चार्ज रखेंगे तो वो इस लाइन में इधर भागेगा, तो इस जिस लाइन में वो भाग रहा था तो हमने उधर उधर एक लाइन खींच लिया, मतलब अगर हम इस चार्ज को यहाँ पर रख करके छोड़ दें तो ये बोलेगा भागो इधर भागो, यहाँ पर रखेंगे तो इधर भागेगा, यहाँ प्लस चार्ज रखेंगे तो वो बोलेगा भाई हम इधर भाग जाते हैं। तो जिस लाइन को वो पाथ ट्रेस आउट कर रहा है हम उस पाथ को ही कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, कोई दिक्कत है? तो ये कहां से निकला, प्लस से निकल गया और माइनस में टर्मिनेट कर गया, समझ में आ गया बात। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, पहले लिख लो, ठीक है, तो जगह ही नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला नंबर में तो भाई पहला प्रॉपर्टी यही है कि दे आर क्लोज, दे आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल कर्व, ठीक है, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल कर्व है, ये पहला पॉइंट यही है। इसका मतलब यही है कि देयर इज नो सडन ब्रेक, है ना, सडन ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये बात याद रखना है कि अगर ये मतलब अगर ये प्लस चार्ज है तो यहां पर माइनस चार्ज है, तो ये गया गया मतलब प्लस चार्ज ऐसे ऐसे बोल देखिए हम प्लस निकल रहा है, तो बीच रास्ते में टूट नहीं जाएगा, फिर यहां से निकलने लगे ऐसा नहीं है, ये रास्ता में टूट नहीं सकता, ये कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है, ये हो गया इसका बात। सेकंड नंबर में डिफरेंशियल कर्व है, ठीक है, फॉर डिफरेंशियल कर्व मीन्स देयर इज नो शार्प बेंडिंग, है ना, बी पॉसिबल, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें कोई शार्प बेंडिंग नहीं होगा, है ना, ये जा रहा ऐसे टूट नहीं जाएगा इसे, है ना, गया 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 ऐसे और ऐसे निकल कर कैसे निकल गया, ऐसा कुछ पाथ नहीं बना देगा ये, मतलब यहाँ पे देखो ऐसा शार्प बेंडिंग जा रहा जा रहा सडनली ब्रेक ले लिया ऐसे, है ना, तो कुछ ऐसा नहीं बनाएगा, या फिर ऐसे नहीं होकर के ऐसे ऐसे नहीं बना देगा, जा रहा था ऐसे चला गया ऐसे, यहाँ पर देखो शार्प बेंडिंग हो गया एकदम स्मूथ, है ना, हर समय चलेगा ऐसे, दे आर स्मूथ कर्व, ये स्मूथ कर्व होते हैं, मतलब कुछ इस तरह का, ठीक है, स्मूथ है हर जगह से, ठीक है, ऐसे कर्व होते हैं, कोई दिक्कत, चलो लिख लो पहले इसको, पहला पॉइंट था ये प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं, ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो लाइन कभी भी ऐसे नहीं, मतलब ऐसे जा रहा है ना, ऐसे आया कट गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहां पर नहीं पॉसिबल है, है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है, तो अगर हम बोले कि अगर इस जगह पे सबसे पहले इसी में, है ना,
जस्ट बिकॉज, ऐसे लिख लेते हैं यहां पर, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन ऑन, सॉरी, एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स, ठीक है। अगर हम किसी पॉइंट पर बात कर रहे थे, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉप कर देंगे, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और दोनों कट गया है ना, कट कर रहा है, तो हम कह देते ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इसे अगर जो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये हमारा बन गया, तो ये जो है टेंजेंट बनेगा, तभी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दिक्कत ये है कि एक ही पॉइंट पर हमको दो दो टेंजेंट देखने मिल रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, हम एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन देख रहे हैं एक ही चीज का, पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है। हियर इफ देयर इज इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, इट शोज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दो डायरेक्शन ये शो कर देगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेकेंड नंबर हो गया। तीसरा पॉइंट हम यहीं पर अभी लिख लेते हैं कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ये भी हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, है ना, कोई दिक्कत है, और हो गया इंक खत्म, ठीक है। चलो पहले कॉपी कर लो, तब तक हम इंक भरते हैं। तो यहां पर क्या सीखे कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हम अगर देख रहे दो पाथ ऐसे ऐसे कर्व कर कट रहा है, अगर कटेगा तो पहला बात, तो बहुत सारे इसके पॉइंट्स आ सकते हैं कि पहले तो ये लाइन ही डिफरेंशियल कर्व है, और डिफरेंशियल कर्व में कहीं सडन ब्रेक नहीं पॉसिबल। देखो यहीं पर शार्प दिख रहा है, शार्पनेस दिख रहा है ना, बेंडिंग, शार्प बेंडिंग दिख रहा है, या फिर ऐसे दिख रहा है, या ऐसे दिख रहा है, या ऐसे दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए इस पाथ में, पहला तो यहीं पर गलती हो गया। सेकेंड नंबर ये भी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो कि बुक में इस तरह से डिस्क्रिप्शन है कि वही लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है वो टेंजेंट की तरह से डिफाइन होता है, तो दो दो टेंजेंट नहीं बन सकता एक ही जगह पर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट पे बात करते हैं, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना, कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया कि हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीधा सीधा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, और सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड भी इसी तरह का था कि वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम है, डिट्टो है, बस वहाँ पर अट्रैक्शन ही होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, अगला पॉइंट लिखते हैं फाइव नंबर, ठीक है, दे नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पिक्चर है, ये याद रखना कि ये इस तरह का पिक्चर नहीं बना सकता, ठीक है, इस तरह का पिक्चर
नहीं बना सकता। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ डीएल वेक्टर जो है वो जीरो होता है इस कंडीशन में, ठीक है। ई डॉट डीएल का वैल्यू क्या आता है, पूरा का पूरा ये लाइन इंटीग्रल है, ये क्या है, दैट इज ये इंपॉर्टेंट फिक्चर है, याद रखना इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर इज गिवन बाय जीरो, ठीक है, ये बात याद रखना है। दे फॉर्म्स है ना, क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है। सिक्स्थ नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, दे ओरिजिनेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना, ठीक है, ओरिजिनेटेड परपेंडिकुलरली, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गेट्स टर्मिनेट ऑल्सो परपेंडिकुलर इन टू द निगेटिव चार्ज। ये परपेंडिकुलर ही निकलता है और परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करेगा किसी भी चार्ज से। अगर हम बोल दें एक चार्ज है हमारा, एक चार्ज्ड बॉडी यही है, इससे हम लोग कहेंगे हर समय परपेंडिकुलर ही निकलेगा, है ना, इससे हर समय सरफेस से परपेंडिकुलर ही निकलेगा ये चार्ज, ऐसे, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम एक ये प्लस चार्ज है बॉडी, उस तरह से अगर हम माइनस चार्ज वाला एक बॉडी है, तो इस पर ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ही हीट करेगा इस वाले पर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है, ये सब रूल है, समझ लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से हमने इसको इन सबको ऑब्जर्व किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, अभी तो देखना, अभी मजे आएंगे इसे, ठीक है, अभी तो बस कॉपी करते जाओ। सिक्स के बाद सेवंथ नंबर पार्ट, ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पर वाले बात करते हैं ऑफ चार्ज। तो अगर ये प्लस चार्ज है और यहां पर हम अगर मान लेते हैं कि माइनस चार्ज है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, यहां प्लस चार्ज है यहां पर माइनस चार्ज है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, यानी कि जितना इस मैग्नीट्यूड यहां पर है उतना ही मैग्नीट्यूड यहां पर है, तो प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वो माइनस में टर्मिनेट कर जाएगा, इस तरह से अभी सीखे, प्लस से निकला इधर की तरफ माइनस में टर्मिनेट, मतलब इधर ही निकल गया, सॉरी यहाँ पर माइनस में टर्मिनेट करना था इसको, अभी एक लाइन ऐसे निकलेगा और एकदम सिमेट्रिकली, है ना, इस लाइन के सिमेट्रिकली जैसे जैसा पैटर्न इधर बनेगा वैसा पैटर्न इधर बन करके इसमें टर्मिनेट करे करने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी टर्मिनेट कर रहा है, कोई दिक्कत है, और ये चाहेगा कि इस तरह से करके टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, समझ में आया बात। ये था तब जबकि सेम, है ना, एकदम सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज था, यहां पर माइनस क्यू चार्ज था, लेकिन अगर यहां पर क्या हो ऐसा कि यहां पर हम बोल दें कि प्लस चार्ज है और यहां पर माइनस चार्ज है, लेकिन यहां पर माइनस में टू क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तब क्या होगा, ये क्या बोलेगा कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट भी करेगा और उतना ही ज्यादा ये टर्मिनेट भी करवा लेगा अपने से। यानी कि अगर हम इसका पिक्चर में अगर हम बात करें, ये अगर मान लेते हैं इसने चार लाइन को आठ लाइन को अगर इसने जनरेट किया है, ये 16 लाइन को खींच लेगा, है ना, आठ लाइन खींचा है, जनरेट किया है, ये 16 लाइन को खींचेगा, तो चलो प्लस वाला तो माइनस में टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ ठीक है, तो एक कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसे आकर के इसमें मीट करेगा, ये भी ऐसे आकर के इसमें मीट करेगा, है ना, इधर से भी बगल वाला भी, ये भी घूम करके इसमें, मतलब एक भी नहीं छोड़ेगा इसका कि भाई, है ना, दूर दूर का भी खींच खाच करके अपने पास बुला लेगा,
ठीक है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादा मैग्नीट्यूड का है और ये कम मैग्नीट्यूड का है प्लस चार्ज है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वो जेनरेट करेगा। तो सेवन के बाद इसी में एट नंबर ये भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाँ ये नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते कितना जनरेट करे, बस हम एक अंदाजा लगा दे भाई इससे दो गुना मैग्नीट्यूड है तो इससे दो गुना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकाल देगा, ठीक है। बात समझ में आया, ये था एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दोनों ही केस में, अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर लार्जर मैग्नीट्यूड आ रहा है तब, ठीक है। अभी रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी सीखते हैं। रिपल्सिव प्रॉपर्टी तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, अगर यहां प्लस चार्ज है और यहां पर भी हम अगर मान लें कि प्लस चार्ज है, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज अभी भी हम रख रहे हैं, तो क्या होगा कि ये प्लस वाला निकालेगा तो जरूर है ना, इधर का पिक्चर हम बाद में बना देते हैं समझने के लिए, पहले इधर देखो ये प्लस वाला निकाला, इधर से भी प्लस वाला निकाला, इससे भी निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसने भी निकाला इधर से भी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो इधर से निकल रहा था वो बोला तुम दूर दूर भागो है ना, तो इसने बोला भाई तुम दूर से भागो ऐसे, इसने भी दूर से भगा दिया इसको ऐसे, जो इधर से निकल भी रहा था वो भी ऐसे, ठीक है। और एक जोन तैयार होगा जिसको हम कहेंगे कि न्यूट्रल जोन है, ये क्या है, न्यूट्रल जोन बनेगा यहां पर, ठीक है। उसी तरह समझ सकते हो कि जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वो उतना दूर जाकर के इसका मतलब खींच लेगा पकड़ करके है ना, इसका दूर तक इसका जाकर के धकेल देगा इसको, खींचेगा नहीं, इसमें प्रेशर लगा देगा, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर अगर हम प्लस चार्ज बना देते हैं तो इसका जो न्यूट्रल जोन बनेगा थोड़ा इधर बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ऐसे यहां तक ले जाकर के इसको पुश कर देगा, बोलेगा भागो यहाँ से, मेरे नजदीक नहीं रहना, आंख के सामने से दूर हट जा कालिया, एकदम दूर रहो हमसे, मेरे पास ज्यादा पावर है तुमसे, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। ये 2Q है, ये पर प्लस Q है, और देखो साफ दिख रहा होगा कि यहां पर ये जो न्यूट्रल जोन है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हम इसको इसलिए बोल रहे हैं न्यूट्रल जोन या न्यूट्रल जोन कह रहे हैं इसको, न्यूट्रल जोन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पर जीरो होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे जोन को बोलते हैं न्यूट्रल जोन या +2Q। तो कोई दिक्कत है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी समझ में आया, अभी बहुत सारा चीज है बस। टेन नंबर है ना, अब पिक्चर सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कैसे कैसे वो दिखाता है अपना नेचर है ना। तो अगर हम कहें कि अगर शेप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहला पिक्चर है हमारे पास कि अगर एक लाइन चार्ज है, क्या ये एक लाइन चार्ज है, तो ये कुछ इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा ऐसे ऐसे है ना, 3D में समझ में आ रहा होगा है ना, इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा। अगर हम कहते हैं अगला पिक्चर जो हो, अगर हम कह दें कि एक यही लाइन है, ये लाइन चार्ज है ठीक है, और इस पर निगेटिव चार्ज है, और यहां पर अगर हम कह दें प्लस चार्ज है, तब अभी सीखें कि प्लस से निकलता है और माइनस में टर्मिनेट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर, ये बात याद रखना है। तो प्लस से निकला माइनस में टर्मिनेट किया परपेंडिकुलर, प्लस से निकला माइनस में टर्मिनेट किया परपेंडिकुलर, निकला माइनस में गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, अरे इधर का है परपेंडिकुलर, उधर ही परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मजे आ गए। अगला सी नंबर, अगर हम ऐसा कहें छोड़ो यहां तक ही काफी है, ठीक है। 10 नंबर कॉपी करो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट सीखने के लिए एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं पहले, ठीक है।
नोट करके। चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, यही बॉडी है और हम एक बॉडी बना दिए ऐसे करके। तो लोकल रेडियस, ये देखो यहां पर शार्प एज शार्प दिख रहा है, ये बॉडी है जिसका यहां पर रेडियस छोटा है और यहां पर देखो तो रेडियस इतना बड़ा दिख रहा होगा। लोकल रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं यहां पर। तो कर्वेचर देख लो, इमेजिन करो, यहां फ्लैट है तो यहां पर देखो जबरदस्त बेंडिंग है, यहां पर थोड़ा छोटा छोटा सरफेस बनेगा, यहां ऐसे बनेगा। तो जहां पर छोटा रेडियस बनेगा, देखो ये रेडियस समझ आया, रेडियस ये रेडियस देखो छोटा रेडियस, जहां पर छोटा रेडियस वहां ज्यादा चार्ज, जहां पर ज्यादा रेडियस वहां पर कम चार्ज। ठीक है, तो यही पर लिखे कि सिग्मा जो है, सॉरी चार्ज डेंसिटी है ना, रो चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस। ठीक है, कैसे आता है नहीं आता है इसको हम लोग आगे जाके प्रूफ करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, अभी बस पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो वीडियो से यही कर रहे हैं, तो मतलब है बताओ यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज है, पूरा भर भर करके चार्ज होगा, यहां पर चार्ज ही नहीं होगा, यहां पर थोड़ा रहेगा चार्ज, यहां पर भी रहेगा चार्ज और यहां पर भी उसी तरह से बहुत ज्यादा चार्ज रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में मेरा मक्खी बैठ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया, चार्ज के बारे में छोटी छोटी बातें थी। अब कुछ सवाल है ना, तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक पिक्चर दिया जाए, इवन एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, ये बना लेना अपने से। ठीक है, प्लस माइनस प्लस दिया हुआ है, कुछ यहां तक कॉपी कर लेना इसको। ठीक है, प्लस से माइनस दिया है ऐसे करके, करे बताओ ये गलत है कि सही है। साफ दिख रहा है गलत है कि सही है, बताओ। देखो प्लस से निकला माइनस में, यहां तक तो अच्छा लग रहा देखने में, लेकिन माइनस से निकलने लगा, देखो यहां प्लस में जाने लगा, ये गलत हो गया क्या, है ना, ये गलत हो गया। ठीक है, समझ आ गया बात, ये गलत है। अगला दूसरा पिक्चर इसी तरह से दिया हुआ है कि एक बॉडी है, कोई अजीब सा शेप का दे दिया ऐसे करके, और उससे निकलवा रहा है ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे निकलवा रहा है, फिर ऐसे निकलवा रहा है, फिर ऐसे करके निकाल दिया है, कुछ ऐसे ऐसे निकाल दिया है, है ना, यहाँ से ऐसे निकाल दिया है, ये प्लस चार्ज बॉडी है पूरा, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ बॉडी ऐसे करके, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है कुछ ऐसे। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर गलती क्या है बताओ। अभी एक रूल बताया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ परपेंडिकुलर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक्यूट एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है अजीब बेढंगा ऐसा एंगल, यहाँ पर भी बेढंगा एंगल, यहाँ सरफेस के पैरेलल नहीं निकल गया है, ये नहीं चलेगा, है ना, ये भी गलत पिक्चर है। तो हम बस ये आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि देखो कौन कौन सा पिक्चर गलत है, कौन सा सही है। सही वाला तुम लोग जानते हो, बस हम गलत वाले के बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, सही वाला एक ही है, ढूंढ लेना अपने से। ठीक है, एक और बॉडी ऐसे करके दे दिया है एनसीईआरटी में, प्लस है, और यहाँ पर एक बॉडी माइनस दे दिया है, बड़ा सा तिराना यहाँ पर काम हुआ है, परपेंडिकुलर निकाल करके परपेंडिकुलर हिट करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम आराम से गया है, सब ठीक ठाक गया है, लेकिन बीच में ही कुछ इस तरह का, बीच बीच में ऐसा ऐसा पिक्चर भी बना हुआ है, तो क्या ठीक है ये पिक्चर, नहीं बन सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज लूप नहीं बन सकता, बाकी सब ठीक है, लग रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर निकल भी रहा है, परपेंडिकुलर जा भी रहा है, सब सही है, ये नहीं हो सकता था, लूप नहीं बन सकता था, इसलिए भी गलती है। ठीक है, समझ में आ गया बात, तो अब ढूंढ लेना कि कौन सा सही है। पांच पिक्चर है जिसमें से हम तीन का तो डिस्कशन कर ही दिए, एक सही है, एक तुम्हारे लिए टास्क हो गया कि भाई उसमें भी ढूंढ लेना क्या गलती है। तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर वन और लेक्चर टू में क्या क्या सीखे, एक तो पहला नंबर में सीखे कि चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज के पूरा डिटेल एनालिसिस किए एक घंटे तक। आज हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दो चीज हम समेट लिए ताकि अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो नेक्स्ट नंबर थ्री आएगा वो आएगा कूलम्ब लॉ पे। अभी यहाँ से मजा आएगा तुम लोग को, अभी हम पूरा थोरली थ्योरी था, कॉपी करो डिटेल्ड में, एक एक बात हम लिख दिए हैं कॉपी में, लिखो और समझो कि क्या क्या चीजें हम बताएं, ये पूरा था जो था। अब इसके आगे है कूलम्ब लॉ,
ठीक है, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब घंटा सब बजाओ, ठीक है, दो बार नहीं बजाना सब बजाओ। बाय, मिलते हैं ठीक है लेक्चर नंबर 3 के साथ।